तेरी आराधना तेरी आराधना के लिए हमारे हृदय खोलो उसके लिए मेरे कामना हमारे माता पिता ईश्वर हमारे ईश्वर हमारे बीच में है। ओ हमारे माता पिता उसका योजना तो नहीं है हम इस दुनिया में आया, ओ ईश्वर का योजना है। इसलिए हम ईश्वर को समर्पण करते हैं हमारे जीवन। ईश्वर ने हमें भेजा है इस दुनिया में, इसलिए ईश्वर ने हम सबके पहले हमको प्यार किया। हमारा रूप भी उसको मालूम है, कुछ भी उसके छुपके नहीं रहते। समर्पण करो, ये तू ही मेरी माता पिता से जो कुछ नहीं मिला वही भी ईश्वर अभी देते, उसका गलत तो नहीं है, वो उसको अज्ञानता है, उसको गलत नहीं है, वो बंधन में दे, शायद शराब के बंधन में है,
व्यभिचार के बंधन में है और कुछ ना कुछ बंधन में है, उसको क्षमा करो। हमारा माता पिता ईश्वर है, वो बोलो ईश्वर तू मेरा माता पिता है। ये गीत के साथ बोलो, माता पिता है तू ही मेरा, स्वामी है तू सर्वस्व तू, माता पिता है तू ही मेरा, स्वामी है तू सर्वस्व तू, माता पिता है तू ही मेरा, स्वामी है तू, हमारा सब कुछ है ईश्वर, ईश्वर जैसे कोई नहीं है, हमारे लिए ईश्वर जैसे कोई नहीं है, स्वामी है तू ईश्वर जैसे कोई नहीं है, ईश्वर के लिए हृदय खोला, रो हृदय खोल के रो, मैं आपके लिए मेरे हृदय बहुत प्यासा लगते, आपके लिए मेरे हृदय खोल के रखा, धन्यवाद बोलो यीशु को, हमको इतना प्यार करते, ओ माता पिता के पखले हमको प्यार किया, हमको रूप दिया, इस दुनिया में भेजा, हमको गर्भपात कोशिश किया लेकिन फिर भी हम इस दुनिया में आया, ओ माता पिता भी हमको तिरस्कार किया और कुछ लोग भी तिरस्कार किया फिर भी हम इस दुनिया में आया, ईश्वर का योजना है, ईश्वर ने हमें भेजा है, वो दूसरे किसी को नहीं मालूम, ईश्वर ने हम इस दुनिया में भेजा है, हमारा कुछ कर्तव्य है इस दुनिया में पूरा करने के लिए, इसके लिए वो जो करने में शैतान हमको रुकावट कर दे, लेकिन ईश्वर का काम पूरा करने के लिए हम तैयार है, हम तैयार है, हम तैयार है, बोलो ईश्वर को, बोलो मैं तैयार हूं आपका सेवा करने के लिए, मैं तैयार हूं, आपकी सेवा करूंगा, बोलो आपकी, ये वो गीत आपकी सेवा करूंगा।
हम आपके ईश्वर का सेवा करने के लिए इधर आएगा, इधर आया है, इसका सेवा करेगा हम इस दुनिया में, प्रभु का सेवा करने के लिए। प्रभु ने हमें भेजा, वो जो लोग हमको छोड़ दिया, तिरस्कार किया, जाने दो, क्योंकि उन लोगों को नहीं मालूम, वो ईश्वर को मालूम है, उसका रूप नहीं देख रहा, उसको मैं तिरस्कार किया। लेकिन जैसे ईश्वर जैसे देखते, वो मनुष्य जैसे नहीं, ईश्वर हृदय देखते। आपका हृदय को ईश्वर को मालूम है, दूसरे किसी को आपका हृदय को नहीं मालूम, इसलिए उसको क्षमा करो, वो सबको क्षमा करो, उन लोग को नहीं मालूम। हम प्रभु का सेवा के लिए तैयार करो, प्रभु ने हमें वो भेजा इस दुनिया में। मैं इधर तैयार हूं आपका सेवा करने के लिए। Oh,
सब लोग खड़े हो जा, खड़े हो जा। प्रभु आपका सारा जीवन ईश्वर को समर्पण करो, अभी पूरा संपूर्ण समर्पण करो, शरीर जन मन और हृदय पूरा ईश्वर को समर्पण करो। वो जो कुछ दूसरों को दिया, शैतान को दिया, अभी संपूर्ण समर्पण करो। मेरा जीवन आपको देता हो वो स्तुति करो, मैं अभी देता हूँ मेरे संपूर्ण हृदय से आपको देता हूँ, स्तुति करो, स्तुति करो, समर्पण करके स्तुति करो। सब लोग बैठिए, बैठिए, शांत से बैठिए। आंतरिक चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जब वचन बोलते यीशु निकोदेमुस को बोला, जो मांस से जन्म हुआ मांस है, जो आत्मा से जन्म हुआ आत्मा है, जो मांस से जन्म हुआ मांस है, आत्मा से जन्म हुआ आत्मा है। शायद हम मांस का जन्म हुआ व्यक्ति है, वो माता पिता का लैंगिक आसक्ति के द्वारा, शारीरिक वासनाओं के द्वारा जन्म हुआ होगा, इसलिए हमारे अंदर भी शारीरिक वासना बहुत है, इससे हमको भी छुटकारा नहीं मिलते। शायद वो हमारे इस दुनिया में आने के लिए प्रार्थना तो नहीं किया, इसके लिए कुछ प्लान तो नहीं किया, शारीरिक इच्छा से और मांस की इच्छा से, शारीरिक वासना से जन्म हुआ होगा। इसलिए हमारा शरीर में भी शारीरिक वासना बहुत है, हमारा जीवन में भी शारीरिक वासना बहुत है। जब हमारे माता पिता एक साथ आया, लैंगिक संबंध हो गया, उसी समय शायद शराब पी के, ओ बाप शराब पी के आया और पोर्नोग्राफी देख के भी अभी लैंगिक संबंध हो गया, उससे भी हमारे अंदर वो
मांस का इच्छा बहुत हो गया, उससे छुटकारा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो कुछ हमारा माता पिता से हमारा जीवन में आया, ओ जो कुछ लैंगिक आसक्ति, जो कुछ ज्यादा हमारे अंदर आया, ओ उसके छुटकारा मिलने के लिए यीशु के लघु से, पावन लघु से मुझे शुद्ध करो। बोलो, जब ये हम सुना, यीशु कल आज और निरंतर अनंत काल तक एक ही है। यीशु जब जिस समय तुम्हारा माँ बाप एक साथ लैंगिकता में आया, उसी समय से वो शारीरिक इच्छा के वो सम से मुक्त करने के लिए उस समय आते, वो मुक्त करते, वो पाप के बंधन से मुक्त करते। इसलिए हम प्रार्थना करते, पावन लघु से शुद्ध करो मुझे, ये गीत के साथ हमको मुक्त करने के लिए हम प्रार्थना करते। दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। सब लोग मुझे शुद्ध करो, मुझे मुक्त कीजिए, वो लैंगिक आसक्ति से मुक्त कीजिए। जो कुछ मेरे अंदर ज्यादा है वो उस मुझे शुद्ध कीजिए। यीशु के नाम बुलाइए, यीशु।
यीशु सब लोग बुलाइए यीशु 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 के नाम बुलाइए मुक्त करते पवित्र करते यीशु 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 स्पर्श करिए यीशुस यीशु को बोला मुझे स्पर्श करो यीशु हमारे सारे रोगों से बीमारियों से और अंधेरे गांवों से यीशु चंगाई कर सकते यीशु को बोलिए उसके गांवों द्वारा हम भले चंगे हो गया है स्पर्श कर यीशु दर्द चंगाई होते यीशु स्पर्श करते शारीरिक रोगों से भी चंगाई करते अभी हम मां के गर्भ में क्या क्या हो गया उसमें भी चंगाई होने के लिए हम प्रार्थना करते मां के गर्भ में कुछ लोग हमको तिरस्कार किया शायद बाप तिरस्कार किया और माँ तिरस्कार किया और गर्भपात करने के लिए कोशिश किया और माँ को गर्भ में कुछ दुख हो गया और पिता शराब पी के उसको मारा उसको बहुत दुख हो गया वो कुछ देखा वो डर लगा और पिता छोड़ के गया और पिता के उसके परिवार से भी माँ को बहुत दुख हो गया और माँ को बहुत काम था परेशानी था सहायता के लिए कोई भी नहीं था अकेले रहते थे वो ससु माँ उसको बहुत बहुत गुस्सा करते थे उसको डर लगते थे वो माँ का डर माँ जो कुछ देखा वो अंधेरे माँ कुछ देखा डर लगा क्या क्या हो गया माँ के घर में सब समर्पण करके प्रार्थना करते ये जो लोग हमको तिरस्कार किया लेकिन हम सुना वो प्रभु हमें चुना है माँ के गर्भ में रचने के पहले प्रभु हमें चुना है उसने हमें प्यार किया है जो बहुत लोग हमको तिरस्कार किया लेकिन ईश्वर ने हमको चुना है माँ के गर्भ में रचने के पहले ईश्वर ने हमें प्यार किया सुनो ईश्वर हमें प्यार किया ईश्वर से प्यार से भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं गीत के साथ
ईश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद दे दो इस दुनिया में आने के लिए, जन्म दिया हमको ईश्वर ने, इस दुनिया में भेजा और दूसरे वो हमारे जीवन के लिए इस दुनिया में आने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद दे दो हाथ उठा के इस जीवन के लिए। जो रूप हमारा है, जो शरीर हमारा है, जो चेहरा हमारा है, ईश्वर ने हमको उसके सादृश्य बनाया हुआ, अच्छा बनाया ईश्वर ने हमको, अच्छा बनाया, खूबसूरत बनाया, सुंदर बनाया, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते। यीशु मैं, मुझे जैसे तुम बनाया उसके लिए हम धन्यवाद देता हूँ। ओ मैं अच्छा हूँ, मैं ईश्वर का प्रतिरूप हूँ। धन्यवाद देते दे दो, धन्यवाद दे दो यीशु को। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 अपने जीवन के लिए, अपने रूप के लिए, यह सब के लिए धन्यवाद दो। धन्यवाद। हमारे पिता के बारे में अभी सोचते, क्या पिता के लिए धन्यवाद दे दो। ईश्वर के लिए, ईश्वर ने उसको चुना, इस पिता को चुना हमारे लिए, वही पिता
वो हम स्वागत करना, अगर वो पिता नहीं है तो हम ऐसा तो नहीं होगा, हम भी नहीं होगा। वो इस पिता के द्वारा हम इस दुनिया में आया, इसलिए वो पिता जो के लिए धन्यवाद। शराबी है शायद और परस्त्रीगामी है और पापी है और बुरी आदत है, फिर भी उसको अच्छा गुण है बहुत। वो अच्छा गुण है, हमारे परिवार में क्या क्या किया, हमारे लिए क्या किया है, उसके लिए धन्यवाद दे दो। मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, खाना पीना दिया, अच्छा कपड़ा दिया, पढ़ाई भी किया, लेकिन उसको कैसे प्यार करना नहीं मालूम था, हमको कैसे प्यार दिखाना उसको मालूम नहीं था, उसको हम कभी भी आदर नहीं किया, उसको कुछ कभी सहायता चाहते थे हम भी नहीं किया। पिता को क्षमा बोलो, पिता मैं माँ आपके साथ रह के आपको छोड़ दिया, मेरे बाप मेरे पिता मुझे क्षमा कर दो, आपको मैं छोड़ दिया था, क्षमा कर दो, आपको सहायता तो नहीं दिया, आपको प्यार तो नहीं किया, आदर तो नहीं किया, मुझे क्षमा कर दो मेरे बाप मेरे पिता, आप कितना मेरे लिए कष्ट सहा। अभी सोचो पिता से क्या क्या बुरा लगा, उसके बारे में सोचो, पिता के चेहरे देखो क्या उसने आपको छोड़ के गया, जब तुम बहुत छोटे थे छोड़ का गया है क्या, दूसरे बच्चों को उसका पिता है, मेरे पिता कहा है उसको कभी नहीं देखा, वो छोड़ के गया है क्या, उसको क्षमा करो, वो नहीं जानते थे वो क्या करते थे, उसको क्षमा करो ये पिता को। कभी कभी शराब पी के आके घर में उसने मारते थे, झगड़ा करते थे, मम्मी को मारते थे, तुमको बहुत दुख हो गया, क्यों मेरा पिता ऐसा है, तुम्हें भी कभी मारा, वो खाना पीना भी नहीं दिया, वो जब खाना पीना करने के समय आके मारा, वो पढ़ाई का किताब भी टूटा उसने, तुम क्यों पढ़ते, वो पढ़ाई के लिए भी सहायता नहीं किया, तुम्हारे मन में बहुत बहुत बुरी बातें माते पिता के बारे में, उसको क्षमा करो। कभी कभी मारा, तुम्हें समझ में नहीं आते क्यों ऐसा करते, कभी कभी तिरस्कार किया, दूसरों के सामने बोला ये अच्छा लड़की नहीं है, लड़का नहीं है, ये मेरा नहीं है भी बोला, वो मेरा, मैं सोचता मेरा नहीं है करके बोला, वो किसके लिए जन्म हुआ उसके गर्भपात करने के लिए भी कोशिश किया फिर भी आया, बहुत बार ऐसा ऐसा कभी कभी सुना, उसको क्षमा करो पिता को, क्षमा करो पिता, मैं आपको क्षमा करता हूँ। पिता से आंखों से आंसू बहाते हैं, वो बोलते बेटा बेटी मुझे क्षमा करो, बेटा बेटी मुझे क्षमा करो, मैं शैतान के बंधन में था इसलिए ऐसा किया, छोड़ के गया, मैं शराब के बंधन में था, नशा के बंधन में था, मुझे दिमाग अच्छी तरह नहीं चलते थे, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो पिताजी को, सब लोग पिताजी को क्षमा करो, पिता को क्षमा करो, पिता मुझे क्षमा करता हूं, पिता। मम्मी के बारे में सोचो अभी, मम्मी के बारे में सोचो, मम्मी क्या क्या किया, बहुत कठिनता से उसका जीवन बिताया, तकलीफ से तुम्हें पालन पोषण किया, लेकिन कभी तुम धन्यवाद तो नहीं किया, हर समय उसको बोलते थे ये नहीं अच्छा नहीं अच्छा नहीं, एक बार मम्मी कपड़ा दिया तुम बोला ये अच्छा कपड़ा नहीं, दूसरों को अच्छा कपड़ा देते, कभी कभी वो खाने के समय खाना छोड़ दिया, उस नमक डाल नमक से ज़्यादा है ये खाना अच्छा नहीं है बोला, मम्मी को बुरा लगा,
मम्मी को क्षमा मांगो मम्मी, मैं मम्मी का तकलीफ समझते नहीं, मम्मी मुझे प्यार करते थे लेकिन मुझे समझते नहीं, मम्मी को बुरा लगते थे, मम्मी के ऊपर मैं क्रोध रखते थे, मम्मी मुझे क्षमा करो, मैं आपको आदर तो नहीं किया, अनुसरण नहीं किया, मम्मी क्षमा करो। अभी मम्मी के बारे में कुछ कुछ दुख है अंदर, समर्पण करो। वो मम्मी कुछ कुछ किया, तुम्हें अब कभी कभी छोड़ दिया, वो दूसरों के सामने बोला ये अच्छा लड़की, उसके दिमाग तो नहीं है, ये अच्छा लड़की नहीं है, वो बुरी बातें करते, वो ऐसा तो किया, दूसरे बच्चों के बीच में उस तुम्हें तिरस्कार किया, कभी कभी थप्पड़ मारा, छोड़ के चला गया, वो सब के लिए मम्मी को क्षमा दो। मम्मी को भी नहीं जानते थे, उसको तुम्हें कितना दुख हो गया, मम्मी अच्छा ऐसा सोचा था तुम अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे भलाई के लिए सोचा, लेकिन तुम्हें नहीं समझा, इसलिए मम्मी अभी रोते, देखो मम्मी को देखो, मम्मी रोते, मम्मी को क्षमा दो, मम्मी मुझे मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। उसको देख के आलिंगन दे दो, एक चुंबन भी दे दो मन में, मम्मी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। सब लोग घुटने टेके, घुटने टेके, सब लोग घुटने टेके, हम आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, अभी आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। जो प्यार हमको मादा से नहीं मिला, पिता से नहीं मिला, और बहन से नहीं मिला, भाई से नहीं मिला, अधिकारी से नहीं मिला, पुरोहित से नहीं मिला, और धर्म बहन से नहीं मिला, और हमारे गुरु से नहीं मिला, हमारे अध्यापक से नहीं मिला, और हमारे दोस्तों से नहीं मिला, जो कुछ लोग हमें छोड़ दिया, लेकिन यीशु बोलते मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और जो जो कुछ आपको छोड़ के गया, तिरस्कार किए, उसके दुख बहुत अंदर है, अभी समर्पण करो। ईश्वर बोलते दोस्तों छोड़ के जाएगा, वो पहाड़ निकल जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें साथ रहूंगा। ईश्वर बोलते मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ईश्वर बोलते माँ माता पिता छोड़ूंगा, भाई बहन छोड़ूंगा, वो पति पत्नी छोड़ूंगा, बच्चों छोड़ूंगा, वो दोस्त छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ। स्वीकार करो, ईश्वर क्या बोलते, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बोलते, वो ईश्वर को तुम्हें बहुत प्यार करते, वो प्यार का सागर है, वो सागर से अभी ये प्यार पीवो, वो प्यार आपको प्यास बुझाने के लिए ईश्वर अभी आते।
नहीं तुम डरो, लोग छोड़ देगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ईश्वर बोलते मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, सारे दुनिया तुम्हें छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं। माँ के गर्भ में रचने के पहले मैं तुम्हें जान लिया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हम तुम्हारे साथ रहूंगा दुनिया के अंत तक। ईश्वर का वादा है, सुनो। ईश्वर हमारे पास आते बोलते मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हमारे पास आते तुम्हारा।
दोनों हाथ रख के प्रार्थना करेगा आप लोगों के लिए, क्या वो जो कुछ आशीष पिता से माता से नहीं मिला वो सब कुछ हमको अभी मिलेगा, वो हमारे हाथ रखने के छुटकारा चंगाई जो कुछ चाहिए सब कुछ अभी मिलेगा। अभी थोड़ा लेट हो जाएगा चार आधा थोड़ा हमको हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए छुटकारा और चंगाई के लिए। अभी तुम लोग क्या करो, लाइन करो, ऐसा जल्दी करो सब लोग, दो थोड़ा सा ऐसा राउंड करके दिखाओ तो कैसा कैसा रखना, ऐसा ऐसा रखना दोनों साइड में। हम हाथ रख के प्रार्थना करके जाते चंगाई और छुटकारा। इस समय हम गीत गाते आबा पिता आया हूँ मैं, आबा पिता आया हूँ मैं, आशीष पाने आया हूँ मैं, जो जो आशीष चाहिए इसके लिए हम भी प्रार्थना करते, वो जो जो आशीष हमको चाहिए इसके लिए हम प्रार्थना करते, वो छुटकारा और चंगाई जो कुछ चाहिए इसके लिए।